नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे शिक्षा प्रोडक्शन चैनल में। आप लोगों के लिए आज मैंने इतिहास से 12 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि निम्न है। देखिए, पहले नंबर पर है, जापान का द्वार अमेरिकी व्यापार के लिए किसने खोला? तो जापान का द्वार अमेरिकी व्यापार के लिए अमेरिकी नामिक पेरी ने खोला था। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ कौन कौन से देश थे? द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ जापान और इटली देश थे। तीसरे नंबर पर आता है, द्वितीय विश्व युद्ध में दो पार्टियां कौन कौन थी, मतलब उनके नाम बताओ। तो वो दो थी, एक थी एलाइड पावर तथा दूसरी थी एक्सिस पावर। चौथे नंबर पर आता है, कमाल पासा की मृत्यु कब कब? तो कमाल पासा की मृत्यु 1938 में। पांचवें नंबर पर आता है, तुर्की में रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो वो रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी के संस्थापक कमल पासा थे, जिनका पूरा नाम मुस्तफा कमल पासा है। छठे नंबर पर आता है, तुर्की में गणतंत्र की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, तुर्की में गणतंत्र की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई। सातवें नंबर पर आता है, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण कराना था, आक्रमण का ही कारण था दोस्तों। उसके बाद आठवें नंबर पर आता है, म्यूनिख पैक्ट कब हुआ? तो म्यूनिख पैक्ट 29 दिसंबर 1938 को हुआ। चीन की प्राचीन सभ्यता का विकास कब हुआ दोस्तों? ये आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूँ। चीन की प्राचीन सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व हुआ था। दसवें नंबर पर आता है, ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल थे। ग्यारहवें नंबर पर आता है, शून्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, शून्यवाद का जनक दुर्गनेयों को कहा जाता है। बारहवें नंबर पर प्रथम आता है कि प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। दोस्तों, इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दें, मैं उसके आपको हल करने की प्रयास बिल्कुल करूंगा। और दोस्तों, मुझे अच्छी लगी हो तो प्लीज, मैं फिर से कह रहा हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस बार आपको इस तरह की वीडियो की अपडेट हर रोज मिलती रहेगी। धन्यवाद।